हाय, कर्नाटका सेकेंड POC का जो 2023 का हिंदी फाइनल एग्ज़ाम हुआ है उसके कुछ क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को डाउट है और उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मैम आप स्पेशली ग्रामर पार्ट के आंसर्स को आप बता दीजिए। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 40 है वो है वाक्य शुद्ध कीजिए यानी करेक्ट द गिवन सेंटेंसेस। सो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, श्यामा ने कहानी सुनाया, तो इसका आंसर होगा श्यामा ने कहानी सुनाई। सेकेंड जो इसका क्वेश्चन है, मुझको घबराना पड़ा, तो इसका आंसर होगा, सही उत्तर है इसका, मुझे घबराना पड़ा। ओके, मुझको घबराना पड़ा, इसका सही आंसर होगा मुझे घबराना पड़ा। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, उसे दिखावा नहीं रुचती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उसे दिखावा नहीं रुचता है। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो इसका है, कल माताजी आ रहे हैं, इसका सही आंसर होगा कल माताजी आ रही हैं। ओके, मैं इसको एक बार फिर से बोल रही हूँ, कल माताजी आ रहे हैं, इसका सही आंसर होगा कल माताजी आ रही हैं। ओके, नाउ इसका जो क्वेश्चन नंबर 41 है, काल परिवर्तन, काल यानी दैट समय। ओके, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ओके, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंस्ट्रक्शन। ओके, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मनोहर तिलमिला उठेगा, ओके, इसको भूतकाल में चेंज करना है यानी पास्ट टेंस में चेंज करना है, तो इसका आंसर होगा मनोहर तिलमिला उठा था। ओके, नाउ इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, मुझे डर लग रहा था, इसको वर्तमान काल यानी प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है, तो इसका आंसर होगा मुझे डर लग रहा है। ओके, नाउ इसका जो थर्ड क्वेश्चन है, बच्चे शोर मचाते हैं, इसको भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस में चेंज करना है, तो इसका आंसर होगा बच्चे शोर मचाएंगे। सो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 41 को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आपको इसके आंसर्स बता दिए हैं, एक्सप्लेन नहीं किया है, इसके आंसर्स मैंने आपको बता दिए हैं। ओके, आशा करती हूँ कि आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। ओके, अगर ऐसा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना। ओके, ताकि इससे जो भी मेरे वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको मोबाइल में ऑलरेडी मिल जाएगी। थैंक यू।